सर एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सीएम बघेल ने विधायकों के साथ पीएल पुनिया का स्वागत किया है। इस मौके पर पीएल पुनिया ने कहा है कि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम केवल बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, बीजेपी के अलावा इलेक्शन कमीशन भी घटक की तरह काम कर रहा था। उन्होंने कहा है कि संख्या बल में कांग्रेस कम है, लेकिन मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएगी। पिछली दफा 44 सांसद रहते हुए भी हमने सरकार को चारों तरफ से घेरा था। उन्होंने कहा था कि दो दिन की बैठक में चुनाव परिणाम की समीक्षा होगी, मंत्रिमंडल के परफॉर्मेंस को सीएम देखेंगे। पुनिया ने कहा है कि हमारी हार नहीं हुई, हमारी सीट बड़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, जो चुनौतियां आएंगी उसे रणनीति से निपटा जाएगा। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले सीएम बघेल ने विधायकों के साथ पीएल पुनिया का स्वागत किया है और इस मौके पर पीएल पुनिया ने राहुल गांधी से भी लड़ रहे थे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता लाइव जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर रुपेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। रुपेश, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ खास रह सकता है इस बैठक में? देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके की उम्मीद छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। और उसकी वजह क्या है? जब सरकार ने इतनी सारी योजनाओं की घोषणा की गरीबों के लिए, किसानों के लिए खासतौर से करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की सौगात दी, उसके बावजूद आखिर कांग्रेस को जनता ने क्यों नहीं चुना, ये मंथन का बड़ा विषय होगा। क्योंकि कांग्रेस के नेता ये उम्मीद कर रहे थे कि 7 से 8 सीटें आ रही हैं, लेकिन उतनी सीटें नहीं आई और इसी पर मंथन किया जाएगा। जब पीएल पुनिया साहब से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आखिर मंत्री और विधायक उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इस बात की पड़ताल की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि जितने सक्रियता, जितनी ईमानदारी दिखानी चाहिए थी मंत्रियों को, जितनी ईमानदारी विधायकों को दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई गई है। ये इनपुट्स पहले से कांग्रेस लीडरशिप के पास है और उसी के मद्देनजर पीएल पुनिया बार बार ये बयान दे रहे हैं। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस लोकसभा सीट दुर्ग से कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई है, करीब 4 लाख वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं यहाँ वहां से, उस जगह से 4-4 मंत्री हैं कांग्रेस की सरकार में, और उसके बावजूद इस तरीके की हार होना क्या कुछ कहता है, ये भी सोचने की बात होगी। इसके अलावा चूंकि मंत्रिपरिषद है, विधायक दल है, तो विधायक भी अपनी बात रखेंगे, उनके इलाके में आखिर क्यों हार हुई, ये भी एक चर्चा का विषय होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस इस मसले पर कैसे अपना फेस सेव करेगी, और उसके संकेत पीएल पुनिया ने दिए हैं कि यहाँ पे पिछली बार की तुलना में हमारी सीटें बढ़ी हैं। यही कांग्रेस का एक जो बाहर बोलने के लिए बात रहेगी वो यही बात रहेगी, क्योंकि अगर गोवा और नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे 1 या 2 लोकसभा की सीटें हैं, ऐसे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पंजाब से भी ज्यादा वोट प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का रहा है। और अगर हिंदी भाषी राज्यों में बात की जाए, बल्कि उन राज्यों की बात की जाए जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला था, वहां पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो फासला है वो 10 से थोड़ा सा नीचे था। यानी कि दोनों पार्टियों के बीच में जो वोट परसेंटेज का फर्क है वो तमाम दूसरे राज्यों में 10% से ज्यादा है। हालांकि बीजेपी को पंजाब में कम वोट मिले हैं, ये बात सही है, लेकिन ओवरऑल वोट परसेंटेज देखेंगे तो कुछ वोट छत्तीसगढ़ में ज्यादा मिले हैं अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो। इस लिहाज से ये फेस सेविंग एक्सरसाइज में इस बात को सामने रखा जाएगा और पुनिया ने रखा भी है, लेकिन अंदर में जब बैठक चलेगी, अंदर खाने समीक्षा होगी, तो तमाम उन लोगों के नाम सामने आएंगे जो घर में बैठे हुए थे, जिनने पार्टी को हराने का काम किया है, जिन लोगों ने मेहनत नहीं की है,
वो तमाम विधायक बेनकाब होंगे जो चुपचाप बैठे हुए थे घरों में और अपनी जीत की खुमारी से उबर ही नहीं पाए और लोकसभा चुनाव हो गया जनता के बीच में, जो कांग्रेस कह रही थी वो नहीं ले जा रहे थे। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, टीएस सिंहदेव हो, बाकी दूसरे तमाम मंत्री हो, इन लोगों ने खूब मेहनत की है, लेकिन वैसी मेहनत शायद विधायकों के एंड से हुई है या नहीं हुई है इसको भी परखना होगा। और कुछ मंत्री कांग्रेस पार्टी के रडार पर हैं जिन मंत्रियों की वजह से ये माना जा रहा है कि उस लोकसभा सीट में पार्टी की हार हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, अभी थोड़ी देर पहले पीएल पुनिया दिल्ली से रायपुर आए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और तमाम विधायकों ने कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। क्या कुछ जानकारी है, थोड़ी देर बाद कांग्रेस के विधायक दल की बैठक शुरू होगी, क्या कुछ खास रह सकता है इस बैठक में हेमंत? हाँ देखिए, दो दिनों तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो संगठन की बैठक है वो आयोजित होने जा रही है। आज जिस तरीके से विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में होगी, इसके बाद कल जो पीसीसी यहाँ पर कार्यालय है राजीव भवन, वहाँ पर लगातार बैठकें आयोजित की जाएंगी और उस बैठकों में समीक्षा की जाएगी कि हार आखिरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को क्यों हुई है। 11 में से 9 सीटें कांग्रेस ने गवाई है, सिर्फ 2 सीटों पर कब्जा कांग्रेस का हुआ है, वो सीटें कोरबा और बस्तर। लेकिन ऐसी जगह है जहां पर एक बड़ी बहुमत कांग्रेस को मिली थी विधानसभा चुनाव के समय, वहां पर हार मिली। तो ये सभी चीजों की समीक्षा वहां पर होगी और इसी के सिलसिले में जो प्रभारी हैं पीएल पुनिया वो यहां पर पहुंचे एयरपोर्ट पर। जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वो यहां पर उनको रिसीव करने आए थे और सीधे यहां से वो सीएम हाउस के लिए रवाना हुए हैं, वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी। और जिस तरीके से पीएल पुनिया ने बैठक को लेकर कहा कि निश्चित तौर पर हार की समीक्षा तो की जाएगी, लेकिन हमारी सीट बढ़ी हुई है, पिछले बार से 1 सीट थी वो अब बढ़कर 2 हुई है, हम चुनौतियों का सामना करेंगे, जैसे जैसे चुनौतियां आएंगी उसको रणनीतिक तरह सुलझाया जाएगा, ये तमाम चीजें पीएल पुनिया ने कही है। और पूरी तरीके से वो एक तरह से कॉन्फिडेंस भी में नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हार की हर पहलुओं पर समीक्षा होगी, किसने काम किया किसने नहीं किया, किसने कांग्रेस को धोखा देने का काम किया, सभी पहलुओं पर चर्चा कल बैठक में होगी। हालांकि आज जिस तरीके से वहां पर बैठक हो रही है सीएम हाउस में, वहां पर भी कहीं ना कहीं ये समीक्षा की जाएगी हार की। और कल फिर लगातार मैराथन बैठकों का दौर कांग्रेस भवन राजीव भवन में शुरू होगा। हेमंत, इस दौरान पीएल पुनिया ने एक बहुत ही खास बात कह डाली है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि इस दौरान हमारी लड़ाई भाजपा के अलावा इलेक्शन कमीशन से भी थी, यानी कि उन्होंने कहा है बीजेपी के अलावा इलेक्शन कमीशन भी घटक की तरह काम कर रहा था। देखिए निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से संसदीय बोर्ड की बैठक यहाँ पर हुई थी सेंट्रल संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस की, वहां पर जो चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया गांधी उनको वहां पर संसदीय दल का नेता चुना गया है, उसके बाद राहुल गांधी का वहां पर संबोधन हुआ था और अपने संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि पिछले दफा 44 सांसद थे लेकिन उसके बावजूद सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, अब 52 सीट कांग्रेस की आई लोकसभा में, तो इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी के साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन और ऐसी तमाम जो संस्थाएं हैं उससे लड़ने की कोशिश की है, ये तमाम ऐसे घटक थे जो एनडीए के लिए काम कर रहे थे, तो एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है और पहले भी वो इस बात को कहते रहे कि संस्थाओं पर आक्रमण सीधे तौर पर मोदी सरकार ने किया है। और एक तरह से फिर उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए के साथ साथ जो तमाम घटक हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कई सरकारी संस्थाएं, जांच एजेंसी का भी अपील पुनिया ने जिस तरीके से जिक्र किया और राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र वहां पर सेंट्रल भवन में किया था, तो ये तमाम चीजें कांग्रेस को रखी गई। हालांकि कल के जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आ पाता है वो कल स्पष्ट हो जाएगा। बैठक में हार की समीक्षा की जानी है हेमंत, बैठक बेहद खास है, कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए दो जो सा प्रभारी हैं चंदन यादव और अरुण उड़ाव,
वो पीएल पुनिया के साथ बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के वो यहाँ पर मौजूद रहे, खुद भूपेश बघेल वहाँ पर मौजूद रहेंगे और तमाम दिग्गज नेताओं से राशुमारी की जाएगी। और इस बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव में दिग्गजों के क्षेत्र में ही हार यहाँ पर मिली थी, तो ये तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है और चर्चा की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि हार आखिरकार क्यों हुई है, विधायकों ने साथ दिया कि नहीं दिया, विधायकों ने पार्टी के पक्ष में प्रचार किया नहीं किया या वो घर में बैठ गए, तमाम चीजें कल निकल कर सामने आ पाएंगी और दिग्गज नेताओं की कल मौजूदगी वहाँ पर रहेगी और सभी पहलुओं पर कल चर्चा की जाएगी। तो इसी दौरान मंत्रिमंडल की परफॉर्मेंस को भी मुख्यमंत्री देखेंगे, ये भी खबर है। देखिए जैसे ही एयरपोर्ट पर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं पीएल पुनिया वो यहाँ पर पहुंचे तो उनसे ये सवाल किया गया कि क्या हार की समीक्षा के साथ साथ जो मंत्रियों का परफॉर्मेंस है, जिनकी बात पहले ही कांग्रेस के द्वारा कही गई है, मुख्यमंत्री ने भी पहले कहा था कि मंत्रियों की समीक्षा कामकाज की समीक्षा होगी तो इसे भी ध्यान रखा जाएगा। पीएल पुनिया ने हालांकि साफ शब्दों में नहीं कहा लेकिन इशारों में ये कहा है कि मंत्रियों की जो समीक्षा है किस तरीके से उन्होंने कामकाज किया और लोकसभा चुनाव के दौरान क्या उनकी भूमिका रही है, इस सब चीजों पर मंथन कल किया जाएगा और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इसमें निकल कर सामने आएगा। हालांकि कई बातें इसमें निकल कर आ रही हैं कि जो विद्रोही हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ प्रचार करने का काम किया, तो ऐसी नाम भी निकल कर वहां पर सामने आएंगे। खास करके रायपुर और दुर्ग में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी तो कल इस सभी चीजों पर विराम लग जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार क्या ऐसे कारण थे जिनसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 9 सीटें गंवानी पड़ी। देशभर में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हेमंत की बैठक बहुत खास है, कांग्रेस विधायक दल की थोड़ी देर बाद बैठक होने जा रही है, इस पूरी बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।